हेलो टोरस, टोरस यानी वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मैं सुरेश गोड स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ये टोरस यानी वृषभ राशि की रीडिंग करेंगे, जो उनके पास्ट प्रेजेंट रिसेंट पास जो अभी अभी बीता है, 72 आवर्स करंट एनर्जी और 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपके एनर्जीज देखेंगे, आपके पास्ट के लिए देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती हैं। तो जिस पर जितना रेजोनेट करती हैं प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी औरों के लिए पास कीजिए। तो यूनिवर्स से चलिए पूछते हैं कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है। ये एक वीकली साप्ताहिक रीडिंग है। तो चलिए, आपका पास्ट रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है, जो प्रेजेंट आपकी करंट एनर्जी 72 आवर्स के लिए, ये आपका फ्यूचर के लिए आया है, ये आपका गाइडेंस के लिए आया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके पास्ट के लिए आया है। ये सॉरी टॉरस, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप सब पर अपना हक जताती हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर आप जिसको जो भी कुछ कहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग सबसे काम करवाना चाहते हैं। अगर वो आपके हिसाब से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे रिश्ता कट कर देते हैं। आप एक सबसे क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, कि चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, जो भी हो आमने सामने हो, बिल्कुल क्लियर कट हो। आप मुँहफट हैं, थोड़ा सा आप मुँह पर बोलने वाले हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। तो आप हो सकता है कि इसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हुई हों, और आप एक टॉरस काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी एक राजा या रानी की तरह दिखाई दे रहे हैं। आप सब पर हक जताते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपना वाणी के हिसाब से आप मुँहफट हैं, जब पर सबको मुंह पर बोल देते हैं, इस वजह से आप किसी न किसी को नाराज कर देते हैं। बाकी आप सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, आप काफ़ी बन ठन कर रहते हैं, सवर कर रहते हैं। आप जो भी बात होती है वो आप क्लियर कट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका पास्ट काफ़ी लग रहा है कि अच्छा बीता है, काफ़ी आप राजा महाराजा की या रानी महारानी की तरह आपने सब पर अपना हुक्म चलाया है, आपने अपने अपनी बात मनाने की कोशिश की है। जो लोग आपकी बात नहीं माने उनसे आपने रिश्ता तोड़ दिया है, आप उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। तो आपका पास्ट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट एनर्जी जो आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो लग रहा है कि अगर आप अपना प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी बड़े बुजुर्ग की गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटोर की ज़रूरत है, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप अच्छा स्टेबल होना चाहते हैं, अपना काम अच्छे से करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, या शादी या कुछ भी जो भी कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी की हेल्प से करते हैं या ग्रुप में करते हैं, तो आप काफ़ी इसमें अच्छा अपना बना सकते हैं, अपना करियर, अपना पैसा, अपना हेल्थ वेल्थ जो भी, या शादी, उसको एक स्टेबल लाइफ बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप अकेले करने की कोशिश करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपके लॉसेस हो सकते हैं, आप इसको इसमें नुकसान उठा सकते हैं। तो आप किसी ना किसी बड़े बुजुर्ग की या मेंटोर की या गुरु की हेल्प लेकर काम करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी, काफ़ी ब्राइट रहने वाली है, काफ़ी अच्छी हो सकती है, नहीं तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी परेशान इसमें रह सकते हैं। ये आपके फ्यूचर के लिए आया है। तो
हो सकता है कि आपका पास्ट में कोई नुकसान हुआ हो ज्यादा बोलने की वजह से, या ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं के चक्कर में। हो सकता है कि पास्ट में आपने, या जो प्रेजेंट में आपका थोड़ा सा ये किसी से गुरु मेंटोर की सलाह लेने के लिए जो एडवाइस दी गई है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर पछता रहे हैं, दुखी हैं, परेशान होने वाले हैं। तो अगर आप अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं करते, किसी की मदद नहीं लेते, किसी की सलाह से काम नहीं करते, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं। तो आप काफ़ी इसमें अपने फ्यूचर को काफ़ी नुकसान का बना सकते हैं। आप इससे अगर बचना चाहते हैं तो जो भी आपको आपका काम है, जो नुकसान हुआ है, उसको ऊपर करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, गेन करने के लिए, जो भी काम है, आप उसमें धीरे धीरे काम करिए। इस पछतावे को छोड़िए। जो आप परेशान हैं, कंफ्यूजन में हैं, दिक्कत में हैं, उससे आप बाहर निकलिए। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपको धोखा मिला हो, किसी ने धोखा दिया हो, या आपने किसी और को धोखा दिया हो, तो उसके लिए आप परेशान हो, टेंस हो, दुखी हो, तो या दुखी होने वाले हैं, रहने वाले हैं। तो उन सब से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपको अभी से अपने आप को संभालने की जरूरत है, नहीं तो आप फ्यूचर में जाकर नुकसान उठा सकते हैं, परेशानी उठा सकते हैं, परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जो अपॉर्चुनिटी, जो काम आपको मिला हुआ है, अगर आप उसमें ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपने आने वाली मुसीबत से, आने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं, नहीं तो आपको किसी न किसी चीज को लेकर नुकसान हो सकता है। ये गाइडेंस के लिए आया है। तो आपको जो हो सकता है कि आपको दो दो अपॉर्चुनिटीज मिली हो, या दो काम मिले हो, तो आप उस पर समझौता नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक पर स्टेबल हो जाते हैं, एक को हैंडल कर लेते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट को, फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो आप इसमें काफी नुकसान उठा सकते हैं। आपको संभलने की इसमें जरूरत है, स्टेबल होने की जरूरत है। आप जो जगलिंग कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की इसमें आपको सलाह दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, कि आप अगर इसी तरह जोकर की तरह जगलिंग करते रहे, एक तरफा आपने डिसीजन नहीं लिया, तो कभी आप इधर कभी आप उधर भागते रहे, तो आप परेशानी, काफी दिक्कतें उठा सकते हैं। आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी लॉस पहुंचा सकते हैं, उसको भी आप खराब कर सकते हैं। तो अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए आपको रुक कर स्टेबल होने की जरूरत है, एक तरफा डिसीजन लेने की आपको इसमें सलाह दी जा रही है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, वो मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।